तरह। त्रिपाठी, आप सबका अमर, आप सबको एक जानकारी के साथ साथ बधाई देना चाहूँगा कि इस ग्रुप के गठन हुए आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज से 2 साल पहले 2017 में होली के कुछ दिनों बाद इस ग्रुप का गठन किया गया था, विशेषकर नगर पालिकाओं की समस्याओं को उजागर करने एवं उन समस्याओं के निराकरण के लिए आम जन की सहूलियत के लिए इस ग्रुप का निर्माण किया गया था। और ग्रुप में जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की तत्परता, मीडिया कर्मियों का स्वतः संज्ञान लेने की प्रवृत्ति अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुपालन में और आम जन का विश्वास, समस्याओं के प्रति जागरूकता और समस्याओं को इस ग्रुप तक लाने की इच्छा शक्ति इस ग्रुप की सफलता के विशेष तत्व रहे हैं। आने वाले समय में ये ग्रुप और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे थे इस ग्रुप का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है, तो मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगा कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आम जन की सुविधाओं के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए और बदलते आधुनिक भारत के लिए डिजिटल मंच बनाने का जो प्रयास इस ग्रुप के माध्यम से था वो अभी अधूरा है। आने वाले समय में इसको और मजबूती के साथ हम कर सकें, इसके लिए आप सबका सहयोग हमेशा की तरह प्रार्थनीय रहेगा। और इस ग्रुप के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कि वो अपनी जनता के कार्यों के लिए लोगों की समस्याओं को निजी समस्या समझते हुए बिना किसी शिकायत का इंतजार करे हुए संज्ञान लेते रहें, और ताकि अधिकारियों पर जनसुनवाई, RTI या किसी अन्य प्रकार से अनावश्यक दबाव बनाने से हम सब बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से करना चाहूँगा ग्रुप में जुड़े हुए आप सभी सदस्यों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, इस ग्रुप पर विश्वास बनाए रखने के लिए, और ग्रुप से जो लोग लेफ्ट नए हुए उन सबको विशेष धन्यवाद कि आपका विश्वास अभी है। अगले महीने से ग्रुप में बहुत सी गतिविधियाँ फिर से पूर्व चालू होंगी। आप सबका सहयोग हमेशा की तरह प्रार्थनीय रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू। सपनों का घर मेरा शहर।